हट जा बेटा, एक मिनट में सेटिंग कर लो। मोबाइल उपलब्धि आपके आपके कार्यकर्ता ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि, लोगों की समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए ये जो आज जो है टैंकर का आयोजन इंतजाम किया है, क्या प्रतिक्रिया आपकी? प्रतिक्रिया मेरे ख्याल से सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच शानू का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। वो हमेशा ऐसे कुछ ना कुछ चीज़ें करता रहता है जिससे लोगों को उसका फ़ायदा पहुँचे। लेकिन मैं एक कहना चाहूँगी कि बहुत दुख की बात है कि जहाँ पर एक वक्त महाराष्ट्र और राज्यों को पानी दिया करता था, वहाँ आज हमारे ऊपर टैंकर खरीदने के दिन आ रहे हैं। मेरे ख्याल से सबने इस बात पे भी गौर करना चाहिए कि ये दिन, और हम लोग दुआ भी करनी चाहिए हम लोगों को कि ये दिन जल्द से जल्द लग जाए और इंशाल्लाह बहुत अच्छी बारिश इस साल हो, क्योंकि कम से कम हम टैंकर से पानी दे सकते हैं। अगर आप पेपर पढ़ोगे तो पश्चिम महाराष्ट्र, शोलापुर, इन सारी जगहों पे सिर्फ 15 दिन का ही पानी बाकी है। अच्छा, जब हम लोग चिल्ला रहे हैं कि हमारे पास पानी नहीं है, तो हमारे साथ साथ मीरा भाईंदर, कल्याण, डोंबिवली, वसई, विरार, इस जगह पे भी पानी नहीं है। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले थोड़ा अवेयरनेस हम लोगों में होना चाहिए कि जितना पानी हमारे पास है उतने ही पानी में अगर हम गुजारा करना सीखेंगे तो आने वाले नस्लों को हम लोग एक अच्छी सीख देंगे, और उनके लिए भी थोड़ा सा पानी हमें बचा के रखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ भी लगाने चाहिए। शानू भाई, ये आपको क्या सूझी ऐसे में जब जो है ना लोग अपनी अपनी गाड़ियाँ कोई 20 लाख की, 50 लाख की ले, आपने 30 लाख का टैंकर खरीद लिया, क्या 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 इसमें? ये टैंकर 30 लाख रुपए का नहीं है, ये टैंकर की लगभग कीमत कुछ 7.5 लाख रुपए है, 7 से 7.5 लाख के बीच का टैंकर है। और ये टैंकर इसीलिए खरीदा गया है कि मुमरा में पानी की समस्या बढ़ रही है। इसके बाद जो डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के नेतृत्व में हम लोगों ने आंदोलन किया था, शमीम खान साहब और मैंने जी, तो बढ़ती पानी की समस्याओं को देखते हैं अधिकारियों का कहना है कि पानी की समस्या आगे बढ़ने वाली है। अच्छा। तो हमने ये सोचा कि हम बहुत ऐसे काम करते हैं, फंक्शन करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, लेकिन एक सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से हमने ये एक टैंकर खरीदा है जिसको ये टैंकर पूरे मुमरा कौसा को फ्री दिया जाएगा। अच्छा। और मैं लोगों को अपील करना चाहता हूँ
के टैंकर पे टैंकर माफिया का एक स्कीम चल रही हो सकता है, क्योंकि शानू पठान और शमीम खान और जितेंद्र अवाज साहब या सैयद अली भाई साहब सभी लोग तो टैंकर चलाने वाले नहीं है। हमने ड्राइवर को दिया है और इसकी रिसीप्ट पड़ी जाएगी और रिसीप्ट पे लिखा है ये फ्री टैंकर है। हो सकता है कुछ भूमि माफिया लोग टैंकर माफिया इधर से इसका इस्तेमाल भी करके पैसा ले 3,000 रुपये टैंकर। मैं लोगों से आवाम से ये अपील करना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी इस टैंकर से पैसा लिया जाए तो तुरंत मुझे फ़ोन किया जाए। मैंने लोगों को ये कहा हूँ कि आप हमारे कार्यालय में, चाहे शमीम खान के कार्यालय में, चाहे अवार्ड सबके कार्यालय में, चाहे मेरे कार्यालय में, चाहे सैयद अली भाई सबके कार्यालय में, कहीं भी कार्यालय में जाएंगे और अगर लिखाएंगे टैंकर चाहिए तो एक रिसिप्ट फाड़ी जाएगी, वो रिसिप्ट मुझे मेरे तक पहुंच जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला सुबह जितनी भी रसीद आज तक फाड़ी है दूसरे दिन वो सुबह टैंकर सब जगह दिए जाएंगे, जो भी सोसाइटी पूरे मुमरा कौसा में। खान साहब, आपके इस काम के बाद में राजनीति भी होगी, उन राजनेतकों को आपको क्या संदेश देंगे? नहीं, उनके राजनीतियों का राजनीतिक तो मैं भी करता हूँ, लेकिन उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा काम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। बस मैं उनके लिए इतना ही कहूँगा और ये गुजारिश करूँगा आवाम से कि इस टैंकर का सही तरीके से अपने इस्तेमाल में ले, और जो मुझे ऐसा लगता है कि टैंकर आने से शहर की समस्या कम होगी, क्योंकि हमारे कॉरपोरेशन के पास सिर्फ 2 टैंकर है और कमिश्नर साहब ने ये कहा था कि आने वाले वक्त में वो 5 टैंकर ले रहे, लेकिन 5 टैंकर लेते लेते वो महासभा की मंजूरी, पैसा उसमें आना, उससे वोट आते आते बारिश का टाइम, बारिश आ जाएगी और लोगों को जो परेशानी से जूझना पड़ रहा है वो परेशानी का वक्त चले जाएगा। तो जब जख्म हो मरहम भी तभी लगाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना। मैं सबसे पहले शानू पठान को मुबारकबाद पेश करूंगा, जिन्होंने ये समझते हुए कि मुमरा कौसा में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, उसको ये समझते हुए कि उन्होंने एक बात अभी कहा जो मुझे बहुत खुशी हुई जफरुल्ला साहब कि होर्डिंग्स बैनर और प्रोनाउंस में हम लोग 10 लाख खर्च कर देते हैं, वो समझते हुए उन्होंने कि मैं आगे इस पर कंट्रोल करूँगा और अपने शहर के लोग जो जनता पानी से परेशान है, पानी को लेकर के तकलीफ में है, हम उनको पानी देकर उनकी प्यास बुझाएंगे। तो वाकई में शानू पठान ने ऐसा काम किया है जो बहुत ही सराहनीय है और मैं इनको कितना मुबारकबाद पेश करूं उतना कम होगा। जबरुल्ला साहब, जिस तरीके से हमें डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब भाई साहब के नेतृत्व में शानू पठान, शमीम खान और हमारे राष्ट्रवादी के तमाम नगर सेवकों ने जो मोर्चा निकाला था, उस मोर्चे में हमें एक बात समझ में आई थी कि हकीकत में जनता बहुत तकलीफ़ में है, क्योंकि मुमरा के वो राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता बहुत कम थे लेकिन यहाँ की आवाम थी उस मोर्चे के अंदर। जिस तरीके से वहाँ पे जो अधिकारी चौहान साहब ने और खड़ताले ने ये प्रॉमिस किया था कि हम लोग 12 तारीख को जो वाटर का इसका मीटर का टैंक है, अपना टाकी है, यहाँ पे आ करके हम लोग वहाँ पे देखेंगे कि रीडिंग क्या चलता है। तो वहाँ पे एक बात मैं और मैं मैसेज देना चाहूँगा कि कल सुबह के टाइम पे हमारे नगर सेवक मैं शानू पठान साहब हम लोग वहाँ पे गए और मुमरा के साथ वाकई में सौतेला व्यवहार चल रहा था। वहाँ पे 36 MLD पानी मिलना चाहिए था, क्योंकि अवार्ड साहब ने कॉरपोरेशन में बात करके MIDC में शासन से बात करके 36 MLD करवाया था, 6 MLD बढ़ाया जी। हाँ, लेकिन वहाँ पे हमको पानी मिल रहा था 30 MLD, 28 MLD। तो कल जा करके वहाँ पे बहुत हंगामा हुआ और उस हंगामे के साथ में काफ़ी मगजमारी भी हुई, यहाँ तक कि अधिकारी वहाँ से भाग रहे थे, लेकिन हम लोगों ने उनको समझा करके बात किया कि भाई हमें पानी चाहिए और जितना MLD हमें पानी शासन से मिलना चाहिए उतना आप दीजिए। तो उन्होंने कल जो है हमको ये प्रॉमिस किया कि अब पानी का प्रेशर बढ़ेगा और 36 MLD पानी हम लोगों को देने का प्रॉमिस किया। तो अब कहीं ना कहीं से इस टैंकर के साथ में जो है, जो शानू भाई ने एक बात कहा कि मुमरा में कहीं पर भी पानी की समस्या हो टैंकर जाएगा, तो इंशाल्लाह ताला शानू भाई को इसकी लोगों की तरफ से दुआएं भी मिलेगी और हमारे शहर में एक अच्छा काम शानू भाई ने किया है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ।